फ्रेंड, यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल सजील हेल्थ एंड फिटनेस। आज हम लोग आए हैं यहाँ पे शालामार गार्डन में। यहाँ पे भी रोज़ सुबह योगा की एक्सरसाइज करवाई जाती है। इस एक्सरसाइज का टाइम है सुबह 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जाता है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी यहाँ पे आएँ और इस एक्सरसाइज को करने के बाद अपनी सेहत को तंदुरुस्त बनाएँ। रोक के रखेंगे। अब राइट आपको बहुत ऊपर लेके जाएंगे, लेफ्ट आपको सर के ऊपर ले आएंगे, और ऊपर चेंज, लेफ्ट आप ऊपर और ऊपर थोड़ा और ऊपर। अब दोनों हाथ ऊपर, पूरी बॉडी का तनाव तनाव को पावर रिलीज करेंगे। बस इनहेल, बहुत सारी ऑक्सीजन अंदर, ऊपर और ऊपर, थोड़ा पीछे, रोकेंगे यहाँ, होल्ड पे लगाएंगे बॉडी को, एरिया भी ऊपर। लास्ट टाइम इनहेल, आप ऊपर और ऊपर, बैक पीछे जाएंगे, पेट को स्केरेंगे और ऊपर फेंकेंगे, पेट के साथ जुड़े तमाम ऑर्गन स्केर के ऊपर फेंकेंगे और रोक के रखेंगे, पेट को स्केरेंगे, पेट को रीढ़ की हड्डी के साथ लगाने की कोशिश, रोकेंगे, रोक के रखेंगे और एक्सहेल का हंसकर साथ में तालियां बजाएं। में बंद, लेग आगे पीछे, हाथ दोनों सामने, बाजू बिल्कुल ढीले डाले, हल्की हल्की जंपिंग घूमते हुए पूरा पार्क देखेंगे। जी सामने, एक्सहेल डाउन, रोकेंगे, आप रिलैक्स। वंस अगेन इनहेल, एक्सहेल डाउन, नीचे राइट हाथ को पीछे लेके जाएंगे, पीछे देखेंगे, सामने लेफ्ट हाथ, पीछे हाथ को देखेंगे, सामने पे रिलैक्स। शबीर साहब के लिए बुक सकते हैं। बस
बस इधर इधर ही लाइन लाइन के लाइन देके लाइन बड़ी गैलरी छोटी हो जाए चलती है स्टॉल इसमें ये दो शालामार स्कीम के रोक के रखेंगे यहाँ रिलैक्स छोड़ दे वालेकुम सलाम असस्ते बस तालियां जी वंस अगेन इन राइट लेग सामने एक लेग के ऊपर टायरेक्टस रुकने की कोशिश वन टू थ्री फोर फाइव आप वंस अगेन इन लेफ्ट लेग सामने वन टू थ्री फोर फाइव आप रेल वंस अगेन दोबारा इनहेल एक्सेल राइट लेग पीछे बहुत पीछे हाथ आगे लेके जाते जाएंगे लेग पीछे वन टू थ्री फोर फाइव डाउन हेल इनहेल हाथ सामने डाउन लेफ्ट लेग पीछे और पीछे वन टू हाथ आगे लेके जाते जाएंगे थ्री फोर फाइव रेल कैसे हैं आप आवाज बहुत कम आ रही है तुम मेरी कौन कौन सी नियमतों को झुठलाओगे आहा आज इतनी प्यारी तिलावत और फिर हम उस हाथ का शुक्र अदा कर रहे हैं और उसमें कंजूसी कर रहे हैं आए शुक्र तो बंदे का अदा करते हुए कंजूसी नहीं होनी चाहिए और जब शुक्र हो रब्बे जुल जलाल का कैसे हैं आप नहीं बहुत कम आवाज है एक आवाज चाहिए कारी साहब वाली शहर से तो आवाज आ ही नहीं रही कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आजम नहीं इसका भी कोई नहीं कोई यकीन ही नहीं है कि सिर्फ मुझे पाकिस्तान बन रहा है अंदर से आवाज आनी चाहिए हमेशा नारे के अंदर एक जज्बा और जोश होता है हमारा आजम इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान का मतलब क्या अच्छा क्या बात है जी ये कोई खास लॉजिक सी यस पिछले तीनों इलेक्शन का दौर दौरा सी ते एक जगह ते एक साड़ा जल कोशिश ऊपर ले जाएं ऊपर 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 पीछे पीछे अब ऊपर हाथों को देखने की कोशिश वन टू थ्री फोर फाइव रेल Inhale, exhale down, नीचे जाएंगे ऊपर लेफ्ट हाथ सामने ऊपर वाले हाथ को देखेंगे और पीछे लेके जाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव राइट हाथ सामने लेफ्ट हाथ ऊपर और पीछे वन टू थ्री फोर फाइव रेल कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह जी किसी का ऐसा इनहेल बैक पीछे पीछे एरिया भी ऊपर उठाएंगे उठाएंगे रोकेंगे यहाँ बॉडी को वन टू थ्री फोर फाइव रिलैक्स आइए अब हम एक आसन करेंगे इसका लास्ट आसन बॉडी में अगर पूरी बॉडी में स्ट्रेच आएगा और पूरी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी
खाते हुए सामने है। डाउन एरिया पर हाथों को लेकर जाएंगे पीछे, हाथों को यहाँ पर रोकेंगे और थोड़ा पीछे कदम ऊपर हाथों माथे पे एरिया ऊपर यहाँ पे रोकेंगे बॉडी को। वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ से हल्का सा राइट। वन टू थ्री फोर फाइव लेफ्ट। वन टू थ्री फोर फाइव रेल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। इनहेल हाथ ऊपर, एक्सहेल डाउन, नीचे हाथ लगाएंगे जमीन को, उठने सीधे, उठने बैंड नहीं होंगे, और नीचे और नीचे रोक के रखेंगे। आप हैंड पैर पीछे जाएंगे, पीछे थोड़ा और पीछे, थोड़ा और पीछे, एक्सहेल डाउन। आप पैर पीछे जाएंगे, एक्सहेल डाउन। अब दोनों हाथों से कुंडलियों को पीछे पकड़ेंगे और अपना सर घुटने को लगाने की कोशिश। डाउन आप पीछे जाएंगे, पीछे पीछे हाथों बाबों में जोड़ लेंगे, पीछे और पीछे जाएंगे, थोड़ा पीछे और पीछे जाएंगे। वन टू थ्री फोर एंड फाइव रेल। कैसे हैं आप? मुस्कुराते हुए जरा प्यार से अपनी तरफ से। अगर हम शुक्रिया किसी के यहाँ जाए और वो हमें एक चाय का कप पिलाए और हम उसका शुक्रिया अदा करें दिल से मोहब्बत से, और ये कहें कि चाय की तारीफ भी करें कि चाय बहुत अच्छा थी, शुक्रिया आपने चाय पिलाई मुझे, तो अगली दफा जब जाएंगे तो यकीनन साथ बिस्कुट भी आएंगे चाय के, बिस्कुट भी साथ आ जाएंगे। जब शुक्र अदा करना है रब्बे जुल जलाल का तो फिर आंखों में अकीदत, वो तो अकीदत देखता है ना। आहा, उसे किसी, उसे क्या इबादत की जरूरत है, नीड है उसकी इबादत हरगिज नहीं है, वो तो अकीदत देखता है और दिलों की मोहब्बत देखता है। और शुक्र अदा करना हो रब्बे जुल जलाल का, आंखों में अकीदत, दिल में मोहब्बत और होठों पे स्माइल। क्या क्या शुक्रिया मुंह बसोड़ के अदा किया जाता है? मुस्कराते हुए, मुस्कराते हुए। तो आइए दिल से उस जात का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें इससे बड़ी और क्या है हमारे लिए कमाल की बात, हमारा इसमें क्या कमाल है कि रब्बे जुल्जलाल ने हमें इंसान पैदा किया, इसमें कोई कमाल है हमारा? फिर इसमें हमारा क्या कमाल हो सकता है कि इंसान पैदा करने के बाद हमें अच्छे माँ बाप के घर में पैदा किया? इसमें हमारा क्या कमाल हो सकता है? क्या कमाल है, क्या रोल है हमारा कि हमें अच्छे साथ दे दिए? कोई रोल नहीं है इसमें। अरे खुशकिस्मत होने पे और हमें क्या शक हो, हमें कोई शक होना चाहिए कि इसमें भी हमारा कोई कमाल नहीं कि रब्बे जुल जलाल ने हमें अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा किया, मुंतखब किया हमें। कोई हक है खुशकिस्मत होने का? इसमें कोई हक अपने नसीब के ऊपर कोई हक है? कोई कमाल नहीं है, ये सब उनकी अनायत है, बेशक अनायत है उनकी, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं, ये तो करम है, मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। और जब अल्लाह ने हमें कर लिया अपने प्यारे महबूब की उम्मत से और फिर ये उम्मत आए, पिछले नबियों के बराबर का दर्जा दिया गया।